सो गाइस फाइनली आ गया मैं एक घर। गाइस अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ से नीचे जा। मामा जी भी चल नहीं पाते पेड़ पे। सो आज हम फिर से आ रखे उसी धार में, मतलब गांव के नीचे वाले धार में। तो कुछ स्पेशल आज फिर से जा रहे हैं हम जंगल काफलू के लिए। तो इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केदार घाटी की खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। तो आज हम जा रहे हैं काफलू के लिए, मैं और मेरे साथ है मामा जी, मैं उनको दिखाऊंगा आपको। तो बने रहे आज के ब्लॉग में, देखते हैं काफल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप भी हम देख सकते हैं कि इस वाले धार में आ रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है। तो बने रहे आज के ब्लॉग में, अभी हूँ मैं इस धार में, यहाँ से हम इस नीचे इस वाले जंगल में जाएंगे काफलों के लिए। तो बने रहे दोस्तों। सो गाइस अभी देख सकते हैं, अब हमने जाना है यहाँ नीचे ये इस वाले धार से, यहाँ से जाना है हमने घूम के पूरा। तो आज जंगल की सैर भी कराएंगे आपको और दिखाते हैं काफल हो रखे कि नहीं हो रखे। यहाँ से सामने का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। सो गाइस बने रहे आज के ब्लॉग पे, अब चलते हैं यहाँ से हम नीचे। हम निकल गए इस वाले रास्ते से, आप देख सकते हैं कितने डेंजरस रास्ता है। यहाँ से अगर नीचे चले गए तो भयंकर सीधा हड्डियाँ मिलेगी नीचे। और आज के ब्लॉग में मेरे साथ है मामा जी। तो मामा जी, तो मामा जी को आज घुमाएंगे पूरा जंगल अपना। मामा जी अंकी के हस्बैंड, जो आपको पिछले वाले एक मत तो 5-6 महीने पहले एक ब्लॉग बनाया था हमने, उस वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो मामा जी को कैसा लगा हमारा गाँव? बहुत बढ़िया लगा। तो मतलब मामा जी है रुद्रप्रयाग के, रुद्रप्रयाग से कहाँ का आप? पेड़ा धनपुर। तो वहाँ से है। तो आज मामा जी को अपने गांव की जंगल की सैर कराऊंगा। तो देखते हैं काफल, तो मुझे नहीं लग रहा काफल होंगे इस बार, तो फिर भी हम घूमते हैं, काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ इस। ये देख सकते हैं गाइस कितने भयंकर रास्ते हैं, सकते एक पेड़ मिल गया हमें। तो इस पर थोड़ा है, थोड़ा बहुत मतलब इस टाइम तो दिख जाए। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इस पर अभी तो कच्चे हैं, तो इतने भी मिले, बहुत मिले, अभी तो नीचे जाएंगे हम। तो चलो जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे आपको अपडेट देते रहेंगे। आप भी खाना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करिए कि हमें भी भेज दो, तो भेज देंगे भाई। सो गाइस पिछली बार इस पेड़ों पे इतने भयंकर काफल थे ना, इस बार देख सकते हैं एक भी नहीं है। कोई कोई दाने मिलेंगे आपको ऊपर, जो सबसे ऊपर ये देख सकते हैं, जो यहाँ देख सकते, ये कुछ कुछ वो भी बहुत ऊपर टहनी में। तो क्या होगा इस बार, जाते हैं हम देखते हैं। तो गाइस घास देख सकते हैं कितनी अच्छी भयंकर घास हो रही है। जहाँ हम बचपन में रहते थे ना, स्कूल से जल्दी आकर यहाँ गाय को लाते थे। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी भयंकर, बहुत अच्छे डे थे वो, मतलब बहुत अच्छे दिन थे। स्कूल में एक ही चिंता रहती थी कि हमने अभी जंगल जाना है गाय को लेकर। तो ये देख सकते कितनी भयंकर घास हो रही है, तो आपको नहीं लाता। गाँव में भी एक दो ही होंगे जो जंगल में गाय को लाते होंगे। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे बस दो काफल मिले, पर कितने बड़े हैं देख सकते हैं, दो दो उस वाले पे। तो ये देख सकते कितने बड़े बड़े हैं, तो अगर काफल होते तो इतने बड़े बड़े होने थे। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी काफल तो बिल्कुल भी नहीं है, बस जितने भी मिले इतने बड़े बड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। तो मामा जी मतलब मामा जी के यहाँ काफल नहीं होते हैं। तो ये देख सकते हैं आज इनको काफल खिलाने के लिए ला रखे थे, पर काफल है नहीं। आप लोग बोल रहे काफल भेजो, तो कहाँ से भेजने, क्या है इस टाइम काफलों के हाल। तो ये होता है ना, एक साल तो भयंकर होते हैं, दूसरे साल नहीं होते, कोई भी चीज़ होती है। तो चलो अब नीचे चलते हैं, यहाँ देखते हैं नीचे है कि नहीं है। तो मेरी मम्मी बोल रहे थे थैला ले जा बड़ा बड़ा, वो ठीक है। सो गाइस अभी देख सकते हैं हम काफलों के लिए कितने नीचे आ गए। तो आज बिल्कुल काफल नहीं मिले थे, अभी एक पेड़ मिल गया, इस पर भयंकर काफल है। पर टेंशन ये है कि मैं भी पेड़ नहीं सकता और मामा भी पेड़ नहीं चल पाते। मैं तो थोड़ा चल देखता हूँ कितने तक जाता हूँ, वैसे तो काफल इस पर भयंकर है। तो एक बात, अगर हमारे गांव वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको घर की बहुत याद आ रही होगी, क्योंकि इस वाले जंगल की बहुत मेमोरी रहती है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी मंदिर है, मंदिर में आए रहते थे, नीचे तो काफ़ी आते थे। तो हमारे गाँव वाले जितने भी होंगे, जो मेरे व्यूअर्स होंगे, मेरे वीडियो देखते होंगे, उनको इस गाँव इस जंगल की बहुत याद आएगी। तो मतलब बहुत भयंकर, बच्चा ना तो इतने गाय इतने भयंकर रहते थे उस टाइम, सब लाते थे। तो अभी तो कोई भी नहीं देख सकते कितने भयंकर चारा उड़ता है, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता था। तो अभी हमको एक पेड़ मिल गया यहाँ पे, ये वाला देख सकते, इस पर देख सकते काफल कितने भयंकर है। इस पर रेड रेड दिख रहे होंगे आपको, ये देखो ये देखो ये देखो
ये देखो ये 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 देख सकते हैं आप कितने भयंकर काफल है इस वाले में। देखता हूँ मैं कितना चढ़ पाता हूँ। तो बाकी तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं इस पेड़ पे आ गया। इस पर काफल तो भयंकर है बट मैं चढ़ नहीं पाता हूँ, जितना पे चढ़ पाऊंगा उतना निकाल दूंगा। तो देख सकते हैं इतने भयंकर रहते काफल के पेड़, मतलब कच्चे रहते काफल, इनकी टहनियाँ बहुत कच्ची रहते हैं। तो बने रहे ब्लॉक में, मुझे अब देख सकते भयंकर डर लग रही, जाने के लिए तो मैं चले गया पर नीचे आने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो देखते हैं तो गाइस देख सकते हैं मैं कितने ऊपर आ गया, पेड़ देख सकते कितने नीचे है और मुझे देख सकते हैं आप कितने ऊपर चले गए। और गाइस मैं यहाँ से बिल्कुल नीचे नहीं आ पा रहा, भयंकर इतने भयंकर डर लग रहे ना मेरे को। वैसे मैं पेड़ पे तो बहुत ऊपर तक चढ़ पाता हूँ पर नीचे आने के लिए मेरे को बहुत भयंकर डर लगती है। तो इस पेड़ से मैं नीचे कैसे आऊँ, अब मुझे तो टेंशन हो रही है मार्क्सम, एक घंटे से मैं इस पर फंस रखा हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना भयंकर पेड़ है, डेंजरस, अगर नीचे देख सकते हैं वैसे आगे से आवाज भी आ रही हूँ वहाँ की। मुझे लग रहा है यहाँ भूत कुछ है, शेर या कुछ है, तो इतना भयंकर होना यहाँ। वैसे मैं नीचे कैसे आऊँ, यहाँ नीचे देख सकते हैं कितना भयंकर पेड़ है नीचे से। सो गाइस फाइनली आ गया मैं, एक घंटे में नीचे ऊपर से नीचे मैं नीचे ही नहीं आ पाया क्योंकि पेड़ बहुत भयंकर है। और पेड़ पर चढ़ने के लिए तो मैं चढ़ जाता हूँ, नीचे आने के लिए फाइनली पहुँच गए हम नीचे। देखते हैं आगे और भी है तो गाइस फाइनली हम वहाँ से ऊपर आ गए। तो काफल तो ऊपर भयंकर वाले थे, ऊपर मैं चढ़ नहीं पाया, तो मतलब मामा जी भी चढ़ नहीं पाते पेड़ पे। तो यहाँ देख सकते कितने भयंकर डरावने जंगल में आ रखे हम, भयंकर है वो यहाँ। तो सब भगवान की कृपा है, बिल्कुल डर नहीं लगता इस जंगल में मुझे, वैसे नहीं तो बहुत भयंकर डरावना जंगल है ये। तो मामा जी भी डर रहे होंगे शायद से पीछे से तो मामा जी को डराना नहीं चाहता मैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो देख सकते कितना भयंकर है। तो कुछ थोड़ा बीज में थोड़ा मिले, इतना इतना मिले होंगे उस पर मीठे भयंकर थे उस वाले पेड़ पे। तो ये देख सकते हैं अब हमको मिल गए यहाँ पे, और ये होते हैं ना इनसे ना पेड़ बिल्कुल साफ होता है, देख सकते हैं। उस टाइम आए थे हम उस वाले रास्ते से, इस टाइम जाएंगे हम इस वाले रास्ते से, यहाँ से सीधा ऊपर धार में। तो इस टाइम हम यहाँ से जाएंगे, क्या पता यहाँ बीच में मिल जाएंगे एक दो पेड़। तो देखते हैं, गांव से है, अगर काफलों के लिए आते तो यहाँ पे आना, यहाँ पे भयंकर वाले काफल है। तो गाइस अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है यहाँ से नीचे जाना कि नहीं जाना, जंगल देख सकते हैं कितना भयंकर है, डेंजरस। तो यहाँ से एक पेड़ देखा था यार मैंने, एक पेड़ था यहाँ हम सी पर ही थी धार में इंतजाम। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा, नीचे बोलते हैं यहाँ के लिए जमलोक, यह जमलोक पट्टी, ये यहाँ पे गुप्त काशी से यहाँ से देख सकते हैं जमलोक, पता नहीं कौन ये आगे क्या बोलते हैं इसको, नाग जगह ये सामने, ये तो सुलंगा, ये स्कूल है सामने पे, सामने पे स्कूल है, ये देख सकते हैं। तो भयंकर लोकेशन से जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आगे, जो भी होगा बने रहे ब्लॉक पर। गाइस अभी हमें वहाँ उधर जा रहा था मैं, वहाँ शेर मिला हमें, भयंकर आवाज़ निकाल रहा था भयंकर, ओ भाई वहाँ वहाँ पर भाई जैसे नीचे शायद भालू होगा, अरे वाह मेरा पाँव, मेरे पाँव खींच गया उसने, वो भयंकर भालू होगा शायद से वहाँ वहाँ नीचे। तो आजकल ऐसे ही रहता जंगल में, अगर अकेले आते हो तो इसी तरह के मिलते हैं यहाँ, बाप रे। अच्छा वहाँ वहाँ नीचे नहीं गए, हो गए थे आज खा लिए थे उसने, हम काफल के लिए खाने के लिए आ रखे थे, उसने हमें खा लिया था आज भयंकर। तो ऐसे ही होता आजकल जंगल में ना, कोई नहीं रहता इस टाइम, तो ऐसे डर रहता है। तो भयंकर वो भयंकर
मामा जी तो ऐसे भागे, बाप रे, मामा जी ने ऐसे रेस मारे ना वहां पे से। सो गाइस यहाँ आए थे हम। सो गाइस अभी आ गए हम यहाँ पे, वहां पे इतना भयंकर आवाज की ना उसने, जैसे उसने हमारे आवाज सुनी वैसे उसने आवाज निकाली, तो भयंकर। मामा बोले कहाँ ला गए तुम मुझे आज इस जंगल में। बाप रे भाई, आज मैंने सामने से सुना भाई उसकी आवाज़ ऐसे, क्या उसमें उस धार से नीचे गिर गए थे हम, आज काफल खाने आ गए थे पर उसने हमें खा लिया था। तो दोस्तों ऐसी हालत होती है जंगल में, यहाँ से सामने का व्यू देख सकते हैं इस टाइम कितना प्यारा लग रहा। सो गाइस जिस टाइम नीचे गए यहाँ से उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला नीचे जाते टाइम, तो इस टाइम हालत देख सकते हैं कितने भयंकर। वैसे उसने दौड़ाया हमें वहाँ से, तो मामा जी पे देख सकते कितने भयंकर पसीना आ गई। तो मामा जी भी आज मामा जी को भी करा दिया अपने जंगल की शहर, तो मामा जी भी आज बोले होंगे कहाँ ला गए मेरे को इतना डेंजरस जंगल। भाई वहाँ पर ऐसे हुआ ना जैसे आवाज़ आई वही एकदम से अलग सी आवाज़ आई, तो ऐसे होता है जंगलों में, तब बोलते हैं कापल कापल ये होता है, शुद्धि नहीं मिलते कापल। तो अरे आगे हम जहाँ से हम ऊपर गए थे सुगाज, मैं आपको कापल दिखाता हूँ, ये देखो कापल, ये देख सकते हो ऊपर कितने भयंकर कापल है, इसे कोई फायदा नहीं है, बहुत दूर 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 है। सो गाइस अभी आ गए हम इस वाले पे रास्ते से आ रहे हैं हम ऊपर, तो एक बचपन की बहुत भयंकर मेमोरी जुड़ रखी है यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं बचपन में हम बोलते थे यहाँ से भाग आता है, भागो 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 ये है बाघ का घर, तो यहाँ पे ऐसे भागते थे ना। तो अरे वो देख, तो वो वैसे ही रहता है, तो इंसान कहाँ से कहाँ चले जाता है। तो अभी बोलते हैं ज़्यादा मोमा है ठीक नहीं है, तो इस वाले एडवेंचर भरे रास्ते से जा रहे हैं हम, इस टाइम देख सकते हैं भयंकर रास्ता है, हम तो आगे मामा जी आ रहे पीछे से भयंकर। ओ अब जाएंगे अपने व्यू पॉइंट पे थोड़ा, ये कुछ ना अब जाएंगे अपने व्यू पॉइंट पे थोड़ा एक दो क्लिक करते हैं। सो गाइस अभी आ गए हम ऊपर घर में, यहाँ पे थोड़ा बैठक है, मामा जी की हालत तो बहुत भयंकर हो गई है लगता है मुझे, और मेरी हालत तो उससे भयंकर हो गई मामा जी से। तो यहाँ से कोई आ रहा है अभी शायद से, काफ लोग ले जा रहे ये बॉर्डर जी, तो देख सकते हैं आप, और काफल तो बिल्कुल नहीं है यहाँ। तो हम वहाँ से निकल गए, वहाँ पे फ़ोटो शूट करने थे, तब तक वो बॉर्डर जी बैठ गए वहाँ पे, तो आएंगे कभी दूसरे दिन, एक दो यहाँ ऊपर से करते हैं एक दो क्लिक। तो हालत देख सकते कितने भयंकर हो गए, मेरे साथ हमेशा प्रॉपर्टी होता है जहाँ जाओ कहीं शेर कहीं बाघ कहीं भालू कहीं नेपाई कहीं कुछ होता ही रहता है, पोपट लाइफ ही पोपट हो गई है, इतनी भयंकर हालत। अभी देख सकते हैं यहाँ कितनी भयंकर गर्मी हो रही है ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर से खींचते एक दो क्लिक, उसके बाद यहाँ से घर चलते हैं माँ ज्वालामुखी के दर्शन करके पीछे से। तो चौक पर यहाँ पर करेंगे एक दो क्लिक, वहाँ पे बॉडी और बॉडी ने कर दी सिस्टम खराब। तो यहाँ पे अंदर में पानी के नल पे, तो एक बात है हमारे गांव में पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, पानी भरपूर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मंदिर में बहुत 3-4 नल है मंदिर में, यहाँ पे हाँ क्या मिट्टू हुआ होती मामा जी की हालत तो भयंकर हो गई आज पैथेटिक कंडीशन। सो गाइस आज है 21 तारीख, वैसे तो आज बहुत मेन दिन है और ये ब्लॉग पता नहीं कब पड़ेगा 22-23 को, तो आज 21 जून सबसे पहले तो आज योग दिवस भी है, तो योग दिवस है और 21 जून आपको पता होगा साल का सबसे बड़ा दिन रहता है 21 जून, तो कुछ इस तरह से। तो अभी देख सकते हैं मंदिर से आ गए बाहर,
अब बस गांव पहुंचने वाले हैं। मंदिर में वैसे रोड जा रही है, मंदिर का ब्लॉग तो काफ़ी ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो वैसे मामा जी को कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया है। मतलब हमारे गांव के वातावरण, मतलब ठंडी गर्म कितना अंतर है आपके वहाँ से यहाँ से? मतलब यहाँ है अच्छा कि यहाँ का, आपके यहाँ का? यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ठंड है। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी होती है और यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे इतने सारे हैं कि मन तो कर रहा है कि यहीं रहूँ, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है अपने घर। वही तो मामा जी को, यहाँ मामा जी को अपना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी घर आता हूँ छुट्टियों में तो ज़रूर यहाँ आता हूँ अपने ससुराल में। तो मामा जी को पहले से यहाँ बहुत, जो भी आता ना, जैसे मेरे जीजू भी आते बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो है ही इतना अच्छा गांव, तो बहुत अच्छा है यहाँ देखने लायक भी है। मतलब यहाँ हेलीपैड है, ये हट है, इधर मंदिर है, बहुत सारी जगह है। मतलब बहुत अभी, मतलब कभी भी आ सकते हैं इधर, पर आना चाहिए आप लोगों को भी। गुप्तकाशी से बस 2 किलोमीटर ऊपर है देवर गाँव। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, तो मामा जी को तो बहुत अच्छा लगता है पहले से। तो बाकी अभी देख सकते हैं हम आ गए इस वाले रास्ते से। सो गाइस ये देख सकते हैं इस तरह से आगे मंदिर तक सीधा गाड़ी ले जाती रहती लोगों की। तो इतनी सुविधाएं हमारे गांव में, पता नहीं कहाँ के है ये घूमने आ रखे वैसे। तो देख सकते हैं इस तरह से। सो गाइस मम्मी ने देखो घर से थैले दे रखे थे, ये सब फूल लाना तेरे पापा को भेजेंगे केदारनाथ, तो ये सब फूल ला के आना, कल कोई जा रहा है तो उनके पास भेजेंगे। एक थैला ये है और एक थैला पल्ला भी लोगों ने दे रखा था, ये सब फूल लाना मेरे पापा को, पापा को भी भेजेंगे। 2 थैले दे रखे थे। तो गाइस 2 बीज खाए, 2-3 बीज, तो इस टाइम ये हालत हो रही है। तो बिल्कुल खाली आए दोनों थैले, तो क्या बोलना यार। सो गए थे बड़े बड़े सोच पर, मिला कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले जंगल में बहुत लाते थे हम बैल यहाँ नीचे तक। कबार पहले तो इंच तो कूड़ा था, मंदिर में कबार मिल बड़े। तो आज बड़ा कूड़ा था। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ताऊ जी का लॉज बन रहा है, ताऊ लोगों का यहाँ पे सब लगे हैं काम पे। ये देख सकते हैं नीचे बाहर से आए हुए जनक सूर्य सब लगे हैं। वो जनक भैया नहीं आए कल लगे हो? ये कौन है? अच्छा कहाँ पड़ा लेंटर? ओ अब बोला कहाँ गया? तो गाइस यहाँ पे भी बंद है लॉज आताओ लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं अभी काम चल रहा है। और ये है मेरे व्यूअर, सब वीडियो देखते रहते हैं। हाय करो जोर से। ये देख सकते हैं कहाँ फलों के ले गए थे पर कुछ नहीं मिला। सो गाइज अभी आ गए हम ऊपर गांव के ऊपरी धार, ऊपर से यहाँ से देख सकते हैं गांव का व्यू कितना प्यारा लगता है। और यहाँ पे हमारे ताऊ जी भी बैठक है। ताऊ बेटा जी खेले खानो अब तुमने बो और सब बड़े ना ठीक ठाक तबियत पार। तो यहाँ पे ताऊ जी बैठक है, तो यहाँ से गांव का व्यू देख सकते कितना प्यारा लग रहा है। और सामने पर पड़ रहा है लेंटर, यहाँ पे सबके लॉज लॉज बन रहे हैं यहाँ। बस भयंकर हो गया गांव में पॉपुलेशन। गाइस यहाँ से देख सकते हैं गांव का व्यू कितना प्यारा लग रहा है यार इस टाइम थोड़ा। सो गाइस अभी आ गए हम यहाँ, तो ये ज्यादा लोगों के यहाँ पे हो रहा पेंट देख सकते हैं। ये भैया भी हमारे व्यूअर्स है, तो ये देख सकते हैं कितना मस्त मस्त कर रखा है इन्होंने कमरा टिच। देख लिया आए रे झुके से मनक मुझे दिल रे गाँव मन। सो गाइज अभी आ गया मैं गांव की गलियों से, मतलब घर जा रहा हूँ। वहाँ से हम ऊपर से घूम के आ गए रोड पे, रोड से
तो हालत अभी थोड़ा इतनी भयंकर हवा चल रही है, वाह सुंदर ऐसी हवा चल रही है सुंदर, क्या ही बोले, गांव में इतना सुकून है तो हमारे गांव में कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे आ गए, ये देख सकते हैं गली आ गए फाइनली हम अपनी गली में। तो जो तो काफल खाना चाहता है हमारे यहाँ पे आना, एका हमें मौका पर हाँ गौसिन कसम से दराजा लगे ये बूढ़े, ठीक है मामा बाय, मामा का घर तो आ गया, एक आओ लो दराज ले आया, ज़्यादा नहीं ले आया जल्दी आया, एदा एदा दी का फोम कर लूँ अली पीछू है पीछू थी तो पता ओप्रिया मैंने रटी फिर मैंने कहा बना लो। तो गाइस दादाजी को भी काफा ला रखे, ये सिर्फ वो तो उठा है नहीं था ये का बच्चा पता है पहुँच नहीं पर तू उनका दिखा ले है ये बोला का है काफल ये है काफल। तो गाइज अभी आ गए मैं अपने दुकान पे काफलों से, और हालत देख सकते हैं अभी कितने भयंकर हो गए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो, तब तक ओके बाय 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 कर लगी भाई। सो गाइज दुकान